मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये पांचों ही मेरा फेवरेट है अभी. मेरा करंट फेवरेट वही है पांच. और प्लस ये जो टी सीरीज मुझे लॉन्च कर रही है मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, तो ये जो एक्साइटमेंट है उसमें ऐड हो जाता है. तो हाँ मैम, आज जो टाइटल था सॉन्ग का क्या हो गया और पांच और भी सॉन्ग लॉन्च हुए हैं उसके बारे में बताइए. ये जो टाइटल सॉन्ग क्या हो गया जी? नाम था उसके बारे में बताइए. कैसे वो नाम आया? हाँ, अच्छा क्या हो गया ये अपने इट्सेल्फ एक्सप्लेन करता है कि ये क्वेश्चन है कि क्या हो गया, क्योंकि कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा सा लॉन्च होगा, टी सीरीज लॉन्च करेगी और सारे ही गाने अच्छे हैं. तो टी सीरीज़ को बहुत ही थैंक यू कि मुझे लॉन्च कर रहे हैं वो. और यही क्या हो गया कि मतलब कि एक्सपेक्टेड नहीं था तो क्या हो गया कि हाँ क्या करने जा रही थी, कुछ छोटा सा सोचा था और क्या हो गया. मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आप इससे पहले भी आप सॉन्ग गा चुके हैं या फर्स्ट था, इसके बारे में अपने जर्नी के बारे में बताइए. इससे पहले मैंने एक एल्बम की है, वो डुएट था सुरेश वाडकर जी के साथ, हनुमान चालीसा था, लेकिन ओरिजिनल में ये मेरा पहला एल्बम है. शुरुआत तो बहुत ही छोटे से हो गया था. जब मैं 4 साल की थी तो पहली बार मैंने स्टेज के ऊपर गाया फीजी में. वो एक शो था, मेरा पापा का बैंड है तो उसका ही शो था, तो मैं गाई थी पहली बार. उसी से जब मैं फीडबैक मिलता है ना तो वो अपने आप एक मोटिवेशन होता है कि तू कर सकती है और बेहतर, तो रियाज करके. हाँ जी, आपको इंस्पिरेशन किससे मिला? कोई फैमिली में है या कोई सिंगर को देख? इंस्पिरेशन तो सब बगल है, सच बताऊँ तो घर पे मम्मा पापा है, वो बहुत ही मोटिवेट करती है करते हैं. और फिर बाहर में जो मेरे रोल मॉडल्स है बोलोगी थी, तो जैसे लता मंगेशकर जी, जिसको मैं सुनती हूँ और एडमायर करती हूँ, वो भी एक तरह के इन्फ्लुएंस है. और फिर मेरे गुरु सारे. हाँ, आगे आगे अगर आप गाना गाना चाहेंगे तो इंडस्ट्री में बहुत सिंगर है, फीमेल मेल, आप किसके साथ गाना चाहेंगे? किसके साथ गाना चाहती हूँ ये तो अभी बहुत ही अच्छा से सोची नहीं हूँ कि किसके साथ गाना चाहती हूँ, लेकिन कोई बड़ा छोटा वाला बात नहीं, किसी के भी साथ गा के मैं खुश रहूँगी, क्योंकि सिंगर सिंगर होता है. आगे अभी तो 5 सॉन्ग लॉन्च हो चुके हैं, आगे क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए. आगे अभी ओरिजिनल्स होगा या फिर कवर्स करूँगी, वेबसाइट लॉन्च हो रही है, यूट्यूब में कुछ डालूँगी, ऐसे ही बढ़ते रहेगा. सर कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, आज मेघना मैम का सॉन्ग लॉन्च हुआ, आप म्यूजिक इस सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर है, उसके बारे में आप बताइए, आप कितना एक्साइटेड है? बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉन्ग्रेट्स का. और माई सेल्फ प्रदीप पंडित, ये सॉन्ग मैंने कंपोज किए हैं, कोशिश की है, और मेघना ने बखूबी ये तीनों गाने ही बहुत अच्छे से गाए हैं. और इस सॉन्ग में मतलब ये है कि आपको बहुत सारे वाद्य सुनने को मिलेंगे, स्ट्रिंग्स, गिटार, पियानो, तबला, ड्रम. और ये ट्रैक पे बहुत टाइम से काम चल रहा था, तो मिस्टर निकलेस जी जो मेघना के फादर हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रदीप जी हम थोड़ा भी रुक जाते हैं, मेघना को और मेहनत करवाते हैं. फिर ये सॉन्ग यहाँ टी सीरीज़ में बहुत पसंद आए और हम टी सीरीज़ को भी बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं. दोनों को कंग्रेचुलेशन, आज आपका सॉन्ग लॉन्च हुआ है, मेघना में इस सॉन्ग को गाई हुई है, आप कितना दोनों एक्साइटेड है आप बताइए. हम लोग बहुत नवीन एंड मनीष, हम लोग दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं. हमारे 2 गाने इस एल्बम में हैं, पहला जो टाइटल गाना है क्या हो गया, एंड दूसरा है तो है संप्रीत लगाएगी. जी मैं नवीन, मनीष, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं. इस दिन का हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था और मेघना ने बहुत ही सुरीला गाया है. हम बहुत खुश हैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, और उनकी वॉइस में बहुत इनोसेंसी है. और जो सॉन्ग है वो मैंने ही लिखे हैं, और
ये एक यंग जनरेशन को बहुत ही पसंद आने वाले हैं, दोनों यंग टीनेज जॉनर के जो गाने हैं, क्या हो गया फुल हार्डकोर रोमांटिक सॉन्ग जो आपको जब सुनेंगे तो इट्स हैज अ रोमियो जूलियट फील एक्चुअली। जी कैसा एक्सपीरियंस रहा मेघना के साथ गाना? जी बहुत अच्छा रहा, और दरअसल में हम लोग मेलेडी को हम लोग वापस जो कहीं खो सी जा रही है हम लोग उसको बैक करना चाहते हैं वापस, वही सुरीला संगीत वही शायरी वापस आए, क्योंकि हम लोग आर डी बर्मन और शंकर जय किशन के बहुत फ़ैन हैं और हम उन्हीं की राह पे चल रहे हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करें किया हमने कि वो पूरी मेलेडी वापस आए, और मेघना ने पूरा जस्टिस बहुत किया, अच्छे से गाया, बहुत अच्छा जस्टिस किया। जी सॉन्ग 5 लॉन्च हुए हैं जी, और जो टाइटल है क्या हो गया उसके बारे में बताइए, कैसे आपने इस टाइटल को सोचा, मतलब क्या हो गया? एक्चुअली मेरा लिखा हुआ गाना है बट टाइटल मेरा सोचा हुआ नहीं है, शायद ये निकोलस जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं और मेघना के जो फादर, उन्होंने ही सोचा है, गाना मेरा लिखा हुआ है, और ये जो गाना है इसके अंदर एक अलग सी एक इनोसेंसी है लिरिक्स में, एक इट इज़ द फर्स्ट लव सॉन्ग, एक लड़की को पहला प्यार हुआ है, और जो गाने की ग्रैंडियर है वो साउंड है और सब मिलके लिरिक्स एंड ट्यून एंड साउंड मिलके लगता है कि एक प्रिंसेस को लव हुआ है, मतलब दिन वही है लेकिन फिर भी क्यों बदला सा लग रहा है, क्या हो गया ये एक नया नया रात वही है फिर भी क्यों नहीं इस लग रही है। फुली टीनेजर ग्रुप का गाना है, इसे 15 से लेकर के 20 साल के जो गर्ल्स एंड बॉयज़ है बहुत पसंद करेंगे, खासकर फीमेल्स। सर आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, थोड़ा गाना कोई भी 5 सॉन्ग में से कोई भी एक सॉन्ग गुनगुना के। जी हम लोग जो टाइटल है वही गुनगुनाते हैं। क्या हो गया क्या हो गया मुझे अभी अभी अभी, ये क्यों बदल सी मैं गई, ये क्या खुशी जो मिल गई, क्या मिल गया क्या मिल गया मुझे अभी 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 अभी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज मेघना जी का सॉन्ग लॉन्च हुआ है, आप सॉन्ग के प्रोड्यूसर है, कितना एक्साइटेड है सर? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाना तो हर वक्त मेघना गाती रहती है, पर जो आज ओरिजिनल एक काम हुआ है तो कुछ अपना अपना लग रहा है कि अपना अपना कुछ बन रहा है। जी मेघना आपकी डॉटर है, कितनी खुशी हो रही है आज उनका सॉन्ग लॉन्च हुआ है, 5 सॉन्ग लॉन्च हुए हैं? बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेघना कभी से गाना शुरू की, आप उनके बारे में बताइए, कभी से शुरुआत की, कभी आपको लगा कि ये सिंगर बन सकती है, आज इतना अच्छा सॉन्ग गा रही? मेघना 4 साल की थी, पहली बार स्टेज में उसने परफॉर्म किया और उसके बाद में उसका बस यहाँ से सफ़र शुरू हो गया था। जी कोई ऐसा मोमेंट है मेघना का जो आप बताना चाहेंगे, जो आपको यादगार रहे, जो वहाँ से शुरुआत किया सॉन्ग गाने का? मेघना ने गाया था मेरे ख्याल से तेरा मुझसे पहले गाना था, कोई ये गाने शुरू किया था और बहुत अच्छे से गाई थी। थैंक यू। मेघना आज सिंगर बन चुकी है, आपको ऐसा गोल होगा कि अपनी बेटी को उस मुकाम पे देखना चाह रहे होंगे? जी पहले तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेघना प्लेबैक सिंगिंग शुरू करे, फिर उसके बाद अच्छे से और क्लासिकल सीखे, और ये जो क्लासिकल है क्योंकि आज के जो दौर चल रहा है लोग अलग अलग तरह के गाना गा रहे हैं और वो भी ठीक है, पर मेरा बचपन से ही शौक है क्लासिकल सुनने का और समझने का और गाने का। मैं गा तो बहुत नहीं पाता हूँ पर सुनने का बहुत शौक है। अच्छा तो मेघना अभी जो शंकर महादेवन अकेडमी सीख रही है, प्रदीप पंडित जी सीख रही हैं, तो मेरा यही है कि मेघना बाद में चल के अच्छा क्लासिकल एक अच्छा क्लासिकल आर्टिस्ट बने। ओके सर, आगे मेघना के बारे में बात करें तो आगे क्या क्या प्रोजेक्ट है जो मेघना आगे सॉन्ग मेघना टी सीरीज के साथ में भी एक दूसरा एल्बम करने जा रही है, और फिर एक शिव भजन करने जा रहा है सुरेश वाडीकर जी के साथ में इन वेरी नियर फ्यूचर।
जी, इंडस्ट्री में बहुत सारे मेल सिंगर हैं, फीमेल सिंगर हैं, आप अपनी मेघना को किसके साथ गाना गाते देखना चाहेंगे? मेरा जो फेवरेट रह चुका है श्री सुरेश वाडिकर जी, उनके साथ तो गा चुकी है, और अब जो नेक्स्ट है मैं देखना चाहूँगा कि जैसे साउथ के एक दो अच्छे अच्छे बड़े कलाकार हैं, उनके साथ कुछ बात चल रही है एल्बम करने का, तो मेघना करेगी भी बाद में चल के जी। थैंक यू।